हेलो एवरीवन तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सिटी विड्स जिसके भी टॉपिक जिसके भी सिलेबस में ये टॉपिक है वो सब लोग इस वीडियो को देख सकते हैं पर स्पेशली ये वीडियो है बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के यूपी स्टेट की जो यूनिवर्सिटी है उनके लिए है इंग्लिश लिटरेचर का ये सिलेबस है और पेपर फर्स्ट का टाइटल है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो इसमें हम पहले ये यूनिट्स करवा चुके हैं और आज की वीडियो में यूनिट्स फाइव इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसठ टू रेनाइसिस का जो टॉपिक है यूनिवर्सिटी विट्स उसको कवर करेंगे उसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे ठीक है और बाकी को बाकी जो ये ये चैप्टर हैं द एज रेनाइसिस एंड रिफॉर्मेशन ये पहले मैं करवा चुकी हूँ तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पेपर फर्स्ट की तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आ, हम समझ मतलब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्सिटी विट्स क्या है ठीक है तो क्वेश्चन है हमारा हु आर कॉल्ड द यूनिवर्सिटी विट्स यूनिवर्सिटी विट्स किसे कहा जाता है तो मैं बता देती हूँ यूनिवर्सिटी विट्स दो यूनिवर्सिटी थी मतलब उनके ये नाम एक है तो एक तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी ग्रेजुएशन और एक एक्सवर्ड ऑक्सवर्ड यूनिवर्सिटी थी तो इसके इसमें जो राइटर्स थे इन यूनिवर्सिटी में उनके ग्रुप को कहा जाता है यूनिवर्सिटी बिस्ड उनके उनके वर्क को कहा जाता है यूनिवर्स यूनिवर्सिटी विट्स ठीक है तो फर्स्ट इसका आंसर हम देख लेते हैं द यूनिवर्सिटी द यूनिवर्सिटी विट्स इंक्लूड क्रिस्टोफर मार्लो क्रिस्टोफर मार्लो एक राइटर है रोबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नाशे ऑल ग्रेजुएशन ऑफ कैम्ब्रिज ये कैम्ब्रिज uh, के स्टूडेंट्स हैं एज वेल एज थॉमस लॉर्ज एंड जॉर्ज पील बोथ ऑफ ऑक्सफर्ड और ये जो दो हैं ये ऑक्सफर्ड के हैं इनके ग्रुप को ही यूनिवर्सिटी विट्स कहा गया है विट्स कहा गया है ठीक है नेक्स्ट है हमारा ये राइटर्स के नेम याद रखना यूनिवर्सिटी विट्स से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये लिखना ज़रूर होता है नेक्स्ट है हमारा वॉट डिड द यूनिवर्सिटी विट्स कंट्रीब्यूट टू इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है क्या योगदान रहा है यूनिवर्सिटी विट्स का तो इसका आंसर देख लेते हैं दे वे आर कॉल्ड यूनिवर्सिटी विड्स बिकॉज दे वे आर स्टूडेंट्स ऑफ वन और द ऑदर ऑफ टू यूनिवर्सिटी ऑक्सवर्ड्स एंड कैमब्रिज इसका मतलब वही हुआ कि यूनिवर्सिटी विट्स को इसलिए यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है क्योंकि दे वे आर ऑफ वन और अदर्स ऑफ टू यूनिवर्सिटी जो टू दो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इसलिए इसको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है दे लेड आर श्योर बेसिस फॉर द इंग्लिश थिएटर एंड पाव्ड द वे फॉर शेक्सपियर तो इसका मतलब क्या हुआ यू, दे मतलब दे उनके लिए आया जो यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर्स थे लेड अ श्योर बेसिस एक बेस तैयार किया है इंग्लिश थिएटर थिएटर के लिए उन लोगों ने उन लोगों ने एक एक बेस तैयार किया है इंग्लिश थिएटर इंग्लिश थिएटर के लिए एंड पेव्ड द वे ऑफ फॉर शेक्सपियर और शेक्सपियर के लिए रास्ता बनाया है बिफोर द एडवेंट ऑफ़ द यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वेंट से पहले जो टाइम था इंग्लिश ड्रामा स्टूड एट अ क्रॉस रोड तो इंग्लिश ड्रामा जो है वो एक चौराहा पर खड़ा हुआ था मतलब उसका विकास नहीं हुआ था ठीक से तो जो यूनिवर्सिटी विट्स जब आया तो उसका इंग्लिश ड्रामे का विकास हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है वाज द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स क्वेंट कब कब यूनिवर्सिटी विट्स जो नाम है वो रखा गया था कब गाड़ा गया था ये नाम ठीक है तो इस सर इसका द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स वाज नॉट यूज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम लाइफ टाइम मतलब जीवन काल ऑफ द प्ले राइट्स एंड पोइस टू वूम इट रेफर्स जब इसका मतलब हुआ कि जब वो पोइट्स थे यूनिवर्सिटी विट्स के जो पोइट्स थे उनके टाइम उनके जीवन काल में ये वर्ड यूज़ नहीं किया गया था उसके बाद यूज़ किया गया ठीक है जब यूनिवर्सिटी विट्स ख़त्म हो गया ड के बजाय द टर्म बाय द लिटरेरी हिस्टोरियन एंड क्रिटिक जॉर्ज सेंट्सबरी इन द लेट नाइनटीन सेंचुरी जो ये वर्स है वो उन्नीसवीं सदी में नाइनटीन सेंचुरी में जो एक हिस्टोरियन इतिहासिक और एंड आलोचना आलोचनिक जो जॉर्ज सेंटसबरी थे उनके द्वारा ये वर्ड रखा गया है ठीक है किसके द्वारा जॉर्ज सेंट्सबरी के द्वारा सेंसबरी यूज़ द टर्म इन हिज बुक आ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोसडी विच वाज पब्लिश इन नाइनटीन जीरो सिक्स उन्नीस सौ छः में जो एक बुक पब्लिड हुई थी सेंसबरी Sands, की आ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोसडी उसमें इस टर्म का यूज़ किया था इन्होंने ठीक है किसने सेंसबरी ने अपनी बुक आ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोसडी उसमें यूज़ किया था यूनिवर्सिटी विड्स वर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं राइट आ शॉर्ट नोट ऑन यूनिवर्सिटी विट्स मतलब यूनिवर्सिटी के विट्स के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन योगदान ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा इंग्लिश ड्रामा के डेवलपमेंट में क्या विकास में क्या योगदान रहा है यूनिवर्सिटी विट्स का ये देखना है अब हम इसमें तो इसका आंसर है आंसर जॉर्ज सेंसबरी कॉइन द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स जॉर्ज सेंसबरी ने इस नाम को रखा था यूनिवर्सिटी विट्स को द यूनिवर्सिटी विट्स इज़ अ पेराज यूज टू नेम अ ग्रुप ऑफ लेट सिक्सटीन सेंचुरी इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हुर एजुकेट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड हु बिकम्स पॉपुलर एज सेकुलर राइटर्स इसका मतलब क्या हुआ जो सिक्सटीन सेंचुरी के ड्रामेटिस्ट थे जैसे कि जो ड्रामेस्ट थे ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के उनके ग्रुप को कहा गया है ठीक है जो पॉपुलर हुए थे जो पॉपुलर हुए थे सेकुलर राइटर्स की तरह उनके ग्रुप को कहा गया है और कब थे ये सिक्सटीन सेंचुरी में थे इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप वेयर क्रिस्टोफर मार्लो इसमें कौन कौन थे इस ग्रुप में क्रिस्टोफर मार्लो थे रॉबर्ट जो रॉबर्ट ग्रीन थे थॉमस नाशे थे जॉन लिली जॉन लिली थे थोमस लॉर्ज थॉमस लॉर्ज थे जॉर्ज पील थे एंड थॉमस थोमस किड थे दिज टैलेंटेड ड्रामेटिस्ट प्रिपेयर द वे फॉर विलियम शेक्सपियर इन्होंने लिए इन्होंने क्या करा इंग्लिश इंग्लिश में मतलब विलियम शेक्सपियर के लिए एक रास्ता तैयार किया द यूनिवर्सिटी विट्स हैड अ फाउंडनेस मतलब यूनिवर्सिटी विट्स को शौक़ था फॉर हेरोइक थीम्स किस किस का शौक था हेरोइक थीम यानी वीरतापूर्ण विषय का स्पलेंडिट डिस्क्रिप्शंस विवरण मतलब स्पलेंडिट विवरण का लॉन्ग स्वेलिंग स्पीचेस uh, लंबे चौड़े भाषण का व्यूलेंट इंसिडेंट घटनाओं का ठीक है हिंसक घटनाओं का एंड इमोशंस और भावनाओं का शौक था मतलब उस टाइम के जो राइटिंग्स थी उसमें ये सब ऐड होता था द स्टाइल वाज आल्सो हैरोइक जो इसका स्टाइल था वो हैरोइक था हैरोइक मतलब वीरतापुर था द बेस्ट मीडियम फॉर सच एक्सप्रेशंस वाज ब्लैंक वर्स ऐसी अभिव्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण सबसे अच्छा एक्सप्रेशन क्या था ब्लैंक वर्स ये एक छंद होता है ठीक है द थीम वेयर यूजली ट्रैजिक इन नेचर और इसकी इनकी थीम कैसी होती थी ट्रैजिक uh, ट्रैजिक होती थी नेचर में ट्रैजिक यानी दुखी दुख वाली होती थी दुख से भरी हुई आमतौर पर यूजअली मतलब आमतौर पर ऑलमोस्ट दलमोस्ट द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द राइटर्स ऑफ रियल कॉमेडीज इज लिली वास्तविक रियल कॉमेडीज मतलब वास्तविक कॉमेडी का एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव कौन है लिली है ठीक है जो वास्तविक रियल कॉमेडी को कौन दर्शाते थे लिली दर्शाते थे लिली जो राइटर्स थे मालो इज़ द मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट अमोंग दैम और इनके बीच जो मालो थे वो एक फेमस ड्रामेटिस्ट थे एक ड्रामा ड्रामा लिखते थे ठीक है नाटक लिखते थे तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कम्प्लीट होता है बाकी हमने दो क्वेश्चन और कर लिए हैं और इसकी पी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर ठीक है और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो अगर आपको लगे कि लॉन्ग में हमारे लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है वैसे तो बी ए फिफ्थ सेमिस्टर में यूनिट सेकेंड थर्ड फोर्थ में से ही लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं पर अगर फिर भी अगर आपको पढ़ना हो तो ये आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं तो आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो आपके लिए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पीडीएफ वगैरह जो भी है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग